असलामुअलैकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स के जवाब देना जो है वो लाजमी समझता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसा जद्दा में आउटपास, 2020 में इकामा फ़ीस के हवाले से अपडेट, गैर कानूनी तारकिन को टाइम मिलने वाला है या नहीं, इकामा अगर आपका ख़त्म है, अगर आप शर्ता आपको पकड़ती है तो क्या होगा आपके साथ। एक भाई साहब ने मुझे तमीज़ सिखाने की भी कोशिश की है, कुछ इस तरह का कमेंट किया है जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और आपके साथ वो भी जो है वो डिस्कस करूंगा। साथ साथ गर्लफ्रेंड के हवाले से जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कुछ कहा, तो एक भाई साहब का क्या रिएक्शन था, क्या कमेंट था उनका, आज की वीडियो में पूरी डिटेल्स आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। बात करने वाले हैं कि वजारत दाखिला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानब से भी अपडेट जो है वो जारी हो चुका है, तो उसी की रोशनी में आउटपास और गैर कानूनी तारकिन को टाइम के हवाले से बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो रिपोर्ट शाया की गई है उसमें सिर्फ गिरफ्तारियों का ऐलान जो है वो किया गया है। आउटपास जद्दा में कब तक आ जाएगा ये जो इस हवाले से उसमें कोई भी बात नहीं की गई कि आउटपास जद्दा में कब आएगा, रियाज में कब आएगा। वो जब आएगा तो आपको बजर नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जैसे यहाँ पे दूसरा कमेंट है जो मुझे कुछ सिखाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे मोहम्मद जायद भाई लिखते हैं, अबे बोलना तो पहले सीख ले, ऐसे लग रहा है कोई गधे नीलाम कर रहे। यार अभी तक मैंने इतने नीलामियों के बारे में सुना, लेकिन गधों की नीलामी का तो अभी तक मैंने सुना नहीं है। मोहम्मद जायद भाई आपको हो सकता है अच्छे से अंदाज़ा हो, क्योंकि मैंने अभी तक तो इस हवाले से कोई बात नहीं सुनी है। जितना अभी मेरी उम्र भी इतनी नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे 23 साल ज़िंदगी में मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोई गधे जो है वो नीलाम कर रहा है। गाड़ियाँ नीलाम होती है, बंगले जो है वो नीलाम होती है, गधे नीलाम करने का तो मैंने सुना भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे दो नेक्स्ट कमेंट उस हवाले से बात करते हैं, 2020 में इकामा सस्ता होगा कि नहीं ये ज़रूर बताएं। दोस्तों मैंने आपसे शेयर किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड मतलब जो वजारत तजारत है उसके मुताबिक 2020 में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, मतलब जितना इकामा फ़ीस था, जो फैमिली टैक्स है, मतलब जो पहले से तय है वो जो है रहेगा। लेकिन रिपोर्ट जो है वाने शाही में पेश की गई है, देखते हैं कि आगे क्या होता है, जो अनाउंसमेंट होगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों यहां पे बात करने वाले हैं कि गलत कहा, सबकी गर्लफ्रेंड है तेरे अलावा क्या सबको यूरोप समझा है। मैंने तो यार मजाक में कहा था कि मेरे अलावा किसी की भी जो है वो गर्लफ्रेंड है, मतलब हो सकता है बहुत सारे ऐसे लड़के हो जिनकी गर्लफ्रेंड ना हो, लेकिन मैं तो डेफिनेटली उस लिस्ट में शामिल हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बनने वाली भी नहीं है, क्योंकि हम न्यूज़ वाले हमें लड़कियां कुछ पसंद ही नहीं करती। तो यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की जानिब। दोस्तों बात करने वाले हैं कि ये जो एक क्वेश्चन कुछ देर पहले पूछा गया है, साहिल ट्रिक्स भाई मेरा कज़न को इकामा ख़त्म हो गया है, उसको अभी पुलिस ले गई है तो क्या होगा। दोस्तों मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि अगर आपका इकामा ख़त्म हो चुका है और शर्ता आपको पकड़ती है तो फर्स्ट टाइम पर आपको 500 रियाल जुर्माना किया जाएगा, मतलब ये आपके लिए एक वार्निंग है। फिर भी दोस्तों अगर आप इकामा रिन्यू नहीं कराते फिर आपको शर्ता जो है वो पकड़ती है तो आपको 1000 रियाल जुर्माना जो है वो किया जाएगा, ये आपकी सेकंड वार्निंग। लेकिन फिर भी अगर आप बाजनी मतलब आप इकामा रिन्यू नहीं कराते और थर्ड बार आप पकड़े जाते हैं तो आपको जो है डिपोर्ट किया जाएगा, मतलब आपको पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें और भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद फराज ने कहा है कि अभी वरी होने की बात है, लेकिन इसमें वरी होने की कोई भी बात नहीं, हालाँकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपको डिपोर्ट किया जाए, लेकिन ख़तरा इसमें कोई नहीं है। दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने पिक कर लिए। फिर भी अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलना है, जाके आप वहां पे कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे कुछ सिखा सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।